बच्चों हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय एक संबंध और फलन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नमाला 1.4 के उदाहरणों पर अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, हम उदाहरण संख्या देखते हैं, हमारी अगली कौन सी है, उदाहरण संख्या 37। 37 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस टू बी द्वारा प्रदत्त संक्रिया स्टार जो आर क्रॉस आर से आर में है वो साहचर्य नहीं है। तो हमें इस संक्रिया की साहचर्यता के बारे में बात बतानी है बच्चों। तो देखिए इसका सॉल्यूशन जो होगा क्या होगा, साहचर्यता आप जानते हैं किस तरह से निकाली जाती है, काफ़ी क्वेश्चन हमने इसके बारे में सॉल्व कर लिए हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले संक्रिया लिखेंगे, संक्रिया है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस टू बी हो जाता है, और ये फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आपके R के लिए सत्य है। R मैंने यहाँ इसलिए लिया कि R क्रॉस R से R में ये जो संक्रिया स्टार है इसको परिभाषित किया गया है। तो हमें यहाँ पता चल जाता है कि जितने भी अवयव होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक संख्याओं में से लिए जाएंगे। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में ये परिभाषित है। देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर किसी समुच्चय में कोई संक्रिया द्विधारी है तो उसका तत्समक अवयव भी उसी समुच्चय में मिलना चाहिए और वो अद्वितीय होता है, और किसी भी अवयव का प्रतिलोम अवयव भी क्या होता है, अद्वितीय होता है। अगर तत्समक का अस्तित्व होता है तो प्रतिलोम के बारे में बात होती है, और क्रम विलोमता और साहचर्यता की बातें जो होती हैं वो भी हमने सीखी हैं। साहचर्यता कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसकी हम निकालेंगे सबसे पहले ए स्टार बी स्टार सी, इसका मान प्राप्त करेंगे। तो देखिए ए स्टार, ए के बाद स्टार लगा दिया, बी स्टार सी की वैल्यू, स्टार से पहला अवयव ए है यहाँ पर और दूसरा अवयव बी है। संक्रिया का जो नियम है उसको ध्यान में रखिए, पहला अवयव प्लस दूसरे अवयव से दो से गुणा कर जोड़ना है, मतलब पहले अवयव में दूसरे अवयव का दुगना जोड़ना है, ये संक्रिया का नियम हुआ। प्रथम फर्स्ट एलिमेंट और ये आपका सेकेंड एलिमेंट। स्टूडेंट्स नियम क्या बना, फर्स्ट एलिमेंट प्लस टू टाइम ऑफ सेकेंड एलिमेंट, यानी कि दुगना किसका, द्वितीय अवयव का। बी स्टार सी को सॉल्व करना चाहते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट कौन हो गया अपना, बी हो गया, सेकेंड एलिमेंट कौन हो गया, सी। संक्रिया का नियम क्या कहता है, फर्स्ट एलिमेंट में एडिशन करेंगे किसका, फर्स्ट एलिमेंट बी लिखा प्लस दुगना किसका, सेकेंड एलिमेंट का, तो टू सी ये हो गया। अब देखिए संक्रिया स्टार से पहले जो होता है वो फर्स्ट कहलाता है, और स्टार के बाद जो पूरा एलिमेंट लिखा हुआ है वो द्वितीय एलिमेंट कहलाता है। अब इसका क्या वैल्यू आएगा, देखिएगा हम क्या करेंगे कि प्रथम एलिमेंट में जोड़ेंगे दूसरे एलिमेंट का दुगुना करके, तो दो गुणा किसका, बी प्लस टू सी का। बच्चों अब इसको सॉल्व करें हम आगे, तो क्या निकल कर आता है, देखिए ए प्लस टू बी और प्लस आपका 4c हो जाता है, इसे समीकरण एक नाम दे दिया मैंने। अगला हमें क्या निकालना है, देखिएगा a स्टार b स्टार c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। a स्टार b में फर्स्ट कौन हो गया a, सेकंड कौन हो गया b, नियम क्या है, प्रथम एलिमेंट में दूसरे एलिमेंट के दुगने को जोड़ दो तो 2 टाइम ऑफ b जुड़ गया, और ये इस संक्रिया का सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरी संक्रिया एक और है आपके पास स्टार, और उसके बाद c लिखा हुआ है, तो फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया, सेकेंड एलिमेंट ये हो गया, सोल्यूशन कैसे आएगा, फर्स्ट एलिमेंट में यानी कि ए प्लस टू बी में दुगना किसका, सी का जोड़ दें तो प्लस कितना बन जाएगा, 2c। ये समीकरण दो हो गया। बच्चों आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू आई है a प्लस टू बी प्लस 4c, जबकि ये वैल्यू है a प्लस टू बी प्लस 2c। ये 4 और 2 अलग अलग हैं इसलिए ये वैल्यू बराबर नहीं है। तो बच्चे कह देंगे कि a स्टार b स्टार c इक्वल नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के, इसके इक्वल नहीं है। अतः संक्रिया जो दी गई है, क्या नाम है इस संक्रिया का, संक्रिया का नाम स्टार है, साहचर्य नहीं है, ऐसा आप इस एलिमेंट के बारे इस संक्रिया के बारे में कह सकते हैं। बच्चों तो देखा आपने किस तरह से सिद्ध कर दिया कि संक्रिया जो है आपकी साहचर्य नहीं है। अगले उदाहरण पर चलते हैं, इसे नोट डाउन कर लेंगे बच्चे।
अगला उदाहरण क्या कहता है, उदाहरण नंबर 38, सिद्ध कीजिए कि आर आर यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में शून्य योग का तत्समक है। शून्य योग का तत्समक है, ये बात कई बार अपनी हो चुकी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में हम बात कर रहे हैं। अगर हम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में बात करते तो उसमें तो जीरो उपलब्ध ही नहीं है, तो वहाँ पर तो हम तत्समक इसको कह ही नहीं पाते बच्चों। लेकिन आर में जीरो उपलब्ध है, तो मैंने आपको कहा जिस भी समुच्चय में संक्रिया परिभाषित हो तत्समक अवयव उसी समुच्चय में आएगा। तो पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपका समुच्चय कौन सा है, आपका समुच्चय है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R, और R में जीरो उपलब्ध होता है। अब तत्समक होने की तो बाद में बात आती है, पहले तो हमें ये पता चल जाता है कि जीरो R में होना चाहिए, बिल्कुल है। अब तत्समकता की बात, तत्समक अवयव की क्या खास बात होती है, किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करता है तो उस एलिमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, जैसे 2+0=2, 3+0, तो जीरो किसी के साथ भी प्लस की योग की संक्रिया करेगा तब उस एलिमेंट पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, इसलिए शून्य क्या हो जाएगा बच्चों, तत्समक अवयव हो जाएगा। कौन सी संक्रिया के लिए, योग के लिए, और कौन से समुच्चय में बात करने जा रहे हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में। ये चीज़ आपने नोट की। आगे देखिए, एक जो अवयव है वो गुणा का तत्समक है, किसमें, आर में, बिल्कुल है बच्चों। क्या वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में पहले देखें कि एक होता है, बच्चे कहेंगे बिल्कुल होता है, एक होता है। अब तत्समकता की बात कर लेते हैं, कौन सी संक्रिया के लिए, आपको दी हुई है गुणा की संक्रिया के लिए, गुणन की संक्रिया के लिए। तो देखिए, किसी वास्तविक संख्या को एक से गुणा करते हैं तो क्या उस वास्तविक संख्या पर कोई प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ने से अर्थ है वो बदल जाती है क्या, नहीं बदलती। 2+1=2 ही आता है, विलोम भी सत्य है, 1+2 = भी कितना आता है, 2 आता है। इस प्रकार ये एक भी क्या हो जाएगा, गुणन के लिए तत्समक अवयव हो जाएगा। कौन सी संक्रिया के लिए, गुणा गुणन संक्रिया के लिए, ठीक है। परंतु संक्रिया व्यकलन, माइनस की संक्रिया दी है, माइनस की संक्रिया और यहाँ भाग की संक्रिया को, भाग की संक्रिया किस में, आर नोट में, और माइनस की संक्रिया किस में बच्चों, आर में, बिल्कुल इनके लिए कोई तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी चर्चा करते हैं बच्चों। पहले तो हम सिद्ध करेंगे कि योग के लिए जीरो तत्समक अवयव है तो क्यों है, और हम सिद्ध करेंगे कि गुणा के लिए एक तत्समक अवयव है तो क्यों है, उसके बाद हम इनकी बात करेंगे। तो देखिए, एक स्लाइड ले लेते हैं आगे। पहली बात, संक्रिया किसकी, योग की, ए स्टार बी, दो अवयव आपस में संक्रिया करेंगे और संक्रिया है योग की, तो ए प्लस बी। फॉर ऑल ए बी जो है आपके किससे बिलोंग करते हैं, आर से। आप ये गणितीय रूप में हमने योग की संक्रिया को प्रदर्शित कर दिया, यहाँ स्टार का मतलब मैंने क्या लिया, योग से लिया है, तो माना कि एक संक्रिया है जो योग संक्रिया है। आप कहेंगे माना कि ये संक्रिया किसकी है, योग संक्रिया। अब तत्समक अवयव ई बराबर जीरो का अस्तित्व है कि नहीं है, ये देखिए, यदि संक्रिया स्टार, स्टार मतलब यहाँ स्टार से तात्पर्य योग से है, स्टार का तत्समक अवयव ई है, तब परिभाषा पूर्ण होनी चाहिए। तत्समक अवयव की परिभाषा क्या है, एक एलिमेंट ए के साथ ई क्या करेगा, संक्रिया करेगा, तो ए ही आ जाएगा, और विलोम भी सत्य होना चाहिए, ये आपका ए, ए स्टार ई भी ए आए और ई स्टार ए भी ए आए, ये परिभाषा है। देखिए, इम्प्लाइज दैट ए स्टार ई का मतलब क्या है, ए प्लस बी, क्योंकि संक्रिया किसकी है बच्चों, योग की संक्रिया है, तो बच्चे कहेंगे ए प्लस ई बराबर ए, या ए बराबर ई प्लस ए, ये दोनों ही बातें इस समीकरण से निकल कर आती हैं। देखिए, तीन चीज़ें बराबर हैं तो दो चीज़ों को एक बार इक्वल, या फिर दोनों चीज़ों को एक बार इक्वल करके लिख सकते हैं, या नहीं लिखें तो आप तथा भी लिख सकते थे। और इन दोनों को सोल्व करते हैं, ई की वैल्यू कितनी आती है, देखिए इसको करते हैं, ई बराबर आपका क्या आ जाएगा, ए माइनस ए, यानी कि ई बराबर कितना आया, जीरो। यहाँ से अब इस तरफ देख लीजिए,
यहाँ से a मैं इस तरफ लाऊँ तो a माइनस ए बराबर क्या आया e, तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हुआ e इक्वल टू जीरो। दोनों ही तरफ से क्या मिला आपको e बराबर जीरो मिल गया, e बराबर जीरो मिल गया। तो आपने कहा कि योग संक्रिया के लिए तत्समक अव्यव e बराबर शून्य है, ये बात आपने इस तरह से यहाँ पर सिद्ध कर दी। अब बात आई गुणन की संक्रिया के लिए, इसी तरह गुणन की संक्रिया का तत्समक अव्यव क्या सिद्ध कर देंगे, e बराबर एक यानी एक को कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, एक स्लाइड और लेते हैं, गुणन की संक्रिया बनाते हैं। माना गुणन संक्रिया आर में निम्न प्रकार परिभाषित है, निम्न प्रकार परिभाषित है। परिभाषित करते हैं गुणन संक्रिया को, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, आपने परिभाषित कर दिया। ये परिभाषित करने का आपका तरीका हुआ। अब यदि ई संक्रिया का तत्समक अव्यव है तब क्या होना चाहिए, तब ए स्टार ई बराबर ए आ जाना चाहिए, परिभाषा ये कहती है, और ई स्टार ए बराबर भी क्या आ जाना चाहिए ए। इम्प्लाइज दैट बच्चों, यहाँ से इम्प्लाइज करेंगे कि ए स्टार ई का मतलब ए बी, ए बी बराबर ए ई, सॉरी ए ई बराबर क्या आ जाए ए आ जाए, और यहाँ से तथा हम ये भी कह सकते हैं कि a बराबर क्या आ जाए e इंटू ए, क्योंकि हमारी संक्रिया कैसे है, प्रथम अवयव गुणा द्वितीय अवयव, तो a इंटू e हो गया a स्टार e का मतलब, और e स्टार a का मतलब हो गया e इंटू ए। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, हम इसको सिद्ध करें इधर वाले को, तो देखिए क्या निकल कर आता है, e बराबर a बटा a यानी कि 1, और यहाँ से a को इधर लाएँ तो e बराबर a बटा a इक्वल टू 1 आ जाता है। तो बच्चे क्या लिख देंगे, इम्प्लाइज दैट कि e बराबर एक संक्रिया का तत्समक अव्यव है। सिद्ध हुआ कि e बराबर एक जो है आपके गुणन की संक्रिया जो आप मान कर चले थे उसका क्या है बच्चों, तत्समक अव्यव। अब अपन माइनस की संक्रिया के बारे में अगली स्लाइड में बात करते हैं बच्चों। देखिए माइनस की संक्रिया क्या कहती है, तीसरा पॉइंट आपका, माना संक्रिया क्या है, ए स्टार ई ए स्टार बी इक्वल टू आपका ले लीजिए, ए स्टार बी इक्वल टू आपका ए माइनस बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। यदि संक्रिया स्टार का तत्समक, लिखने का तरीका आपकी भाषा में कोई भी हो सकता है, आपको ई को तत्समक अव्यव मानना है, का तत्समक अव्यव ई है, तब क्या होगा, देखिए परिभाषा क्या कहती है, ए स्टार ई इक्वल टू आपका ए आ जाए, और ई स्टार ए इक्वल टू भी क्या आ जाए ए आ जाए। इम्प्लाइज दैट बच्चों, इसको इम्प्लाइज करके हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए स्टार e इक्वल टू a तथा e स्टार a इक्वल टू भी a, इसके वैल्यू के इक्वल भी क्या आ जाए a आ जाए। इम्प्लाइज दैट यहाँ से a स्टार e का मतलब a माइनस b, तो ये हो गया a माइनस e इक्वल टू a, तथा यहाँ पर e माइनस a इक्वल टू a, यहाँ से e बराबर कितना आएगा बच्चों आपका, e उधर जाएगा a इधर आएगा, तो e बराबर जीरो, तथा e बराबर यहाँ क्या आया 2a। तो आप देख रहे हैं एक पार्ट से तो e की वैल्यू 2a आ रही है,
एक पार्ट से ई की वैल्यू जीरो आ रही है। इससे पहले दोनों में आपने देखा ई बराबर जब वन आया था तो दोनों जगह वन आया था, यानी कि तत्सम का अवयव हमेशा अद्वितीय आ रहा है, तो ये असंभव बात हो गई। ई की दो वैल्यूज आ रही हैं तो संक्रिया का मतलब हुआ संक्रिया में कोई तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। तो आप कहेंगे ई के दो मान प्राप्त होते हैं, यह विरोधाभास है, अतः संक्रिया का कोई तत्समक विद्यमान नहीं। यह हमारा नोट था, हमने जब परिभाषा पढ़ी थी तत्समक अवयव की तब बच्चों बताया था कि तत्समक अवयव हमेशा अद्वितीय होता है। तो यहाँ पर तत्समक अवयव के मान एक तरफ जीरो और एक तरफ टू ए प्राप्त हो रहे हैं और दो प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कोई तत्समक अवयव विद्यमान नहीं हो सकता। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो गया तत्समक अवयव की अद्वितीयता के विरोध में, तो इसलिए हमने कह दिया इस संक्रिया में कोई तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। भाग के लिए बात करते हैं, कुछ ऐसी स्थिति वहाँ पर भी उत्पन्न होगी। आपका चौथा पॉइंट भाग की संक्रिया, तो संक्रिया मानते हैं माना ए स्टार बी इक्वल टू ए अपॉन बी भाग की संक्रिया हो गई, जहां आपने कहा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर नोट। आर नोट का मतलब होता है इसमें जीरो नहीं है बच्चों, आर नोट का मतलब जीरो नहीं है। तो क्यों ऐसा है, क्योंकि अगर बी या बी जीरो हो जाएगा तो समस्या पैदा हो जाएगी, संक्रिया का जो प्रतिफल है वो अनंत चला जाएगा और अनंत मान होता है अपरिभाषित, इसलिए प्रतिफल अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए कोई भी वैल्यू जीरो नहीं ले रहे हैं हम इसमें। चलिए फिर बात करते हैं तत्समकता की। यदि संक्रिया स्टार जो भाग की संक्रिया है का तत्समक अवयव आपका ई है, तब क्या है परिभाषा, है ए स्टार ई इक्वल टू ए आ जाए और ई स्टार ए इक्वल टू बी ए आ जाए। इम्प्लाइज दैट बच्चों दो भागों में बांट देते हैं इस बात को। पहला भाग ए स्टार ई इक्वल टू ए और यहाँ पर इधर हो जाएगा ई स्टार ए इक्वल टू ए, क्योंकि ई स्टार ए बराबर भी ए है और ए स्टार ई बराबर भी ए है। इसको दो भागों में बांट लिया, ई की वैल्यू दोनों भागों में समान प्राप्त होनी चाहिए। चलिए चेक करते हैं, ए स्टार ई का मतलब ए अपोन ई, जैसे कि नियम से है प्रथम अवयव अपोन द्वितीय अवयव इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पर ई अपोन ए हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा ए। बच्चों ई की वैल्यू यहाँ निकालूंगा तो वन आ जाएगी, ना ई ऊपर चला जाएगा ए नीचे में भाग लगेगा, ई की वैल्यू वन। यहाँ पर देखिए ए उधर जाएगा तो यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ए स्क्वायर। बताइए एक तरफ वन आ रही है एक तरफ ए स्क्वायर आ रही है, तो इसका मतलब तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, दोनों तरफ से क्या आना चाहिए ई की अद्वितीयता बनी रहनी चाहिए। अतः भाग संक्रिया में कोई तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, जो आपकी संक्रिया स्टार है इसमें कोई तत्समक विद्यमान नहीं है। बच्चों इसे नोट डाउन कर लेंगे, आगे चलते हैं अगला देखते हैं क्या कहता है। अगला कहता है सिद्ध कीजिए कि आर में धन संक्रिया और माइनस ए का प्रतिलोम ए है, मतलब योग की संक्रिया, धन का मतलब योग की संक्रिया में माइनस ए का प्रतिलोम जो है वो ए है, और आर में गुणा की संक्रिया के लिए ए नॉट इक्वल टू जीरो का प्रतिलोम एक बट्टा ए है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर,
जो कि संक्रिया में बताया गया है, योग की संक्रिया। देखो बच्चों, हमें किसी अवयव का प्रतिलोम निकालना है। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व तभी हो पाता है जब संक्रिया में आपको तत्समक अवयव विद्यमान मिले। तो हम पहले किसके अस्तित्व की बात करेंगे? तत्समक अवयव की। देखिए, तत्समक अवयव के लिए माना संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव ई है, तब ए स्टार ई इक्वल टू ए एंड ई स्टार ए इक्वल टू बी ए इम्प्लाइज दैट ए स्टार ई का मतलब ए प्लस ई इक्वल टू ए। यहाँ से आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा? ई इक्वल टू जीरो आपको मिल जाना है। ये संक्रिया का क्या हो गया? तत्समक अवयव। अब तत्समक अवयव की उपस्थिति हो गई और वो किस समुच्चय में है? आर में है, तो उपलब्धता हो गई। तो अब अपन बात करेंगे उसके प्रतिलोम अवयव की। तो हम दूसरी बात करेंगे प्रतिलोम अवयव की। माना संक्रिया स्टार में ए का प्रतिलोम बी है, अर्थात ए इनवर्स इक्वल टू बी। ए का प्रतिलोम कौन है? बी है, मान लिया। परिभाषा कहती है अगर ए का प्रतिलोम बी है तो ए स्टार बी इक्वल टू ई आना चाहिए, और बी स्टार ए इक्वल टू बी क्या आना चाहिए? आपका ई आना चाहिए। परिभाषा है, आपको शुरू में जब पढ़ाया था चैप्टर ये, तब वो संक्रियाओं की जब परिभाषा के बाद तुरंत बाद आपको ये चीज़ें बताई गई थी। अब आपने कहा ए स्टार बी का मतलब क्या है? ए स्टार बी का मतलब आपको लिखा हुआ है ए प्लस बी। तो ये तो ए प्लस बी इक्वल टू ई, ई का मतलब जीरो आप पहले ही निकाल चुके हैं। तथा यहाँ से बात करें तो बी स्टार ए यानी कि बी प्लस ए, और बी प्लस ए इक्वल टू ई, ई का मतलब जीरो आपके पास तत्समक अवयव पहले ही उपलब्ध है संक्रिया में। आप यहाँ से कहेंगे कि आपका बी की वैल्यू यानी कि ए इनवर्स इक्वल टू बी, तो बी का वैल्यू कितना हो गया? माइनस ए। यहाँ से भी तथा यहाँ से निकालें तब भी बी इक्वल टू कितना है? माइनस ए। तो आपने देखा बच्चों, दोनों तरफ से आप ए स्टार बी इक्वल टू ई लेकर चलें या बी स्टार ए इक्वल टू ई लेकर चलें, बी की वैल्यू कितनी आती है बच्चों? माइनस ए आती है। तो हो गया ना प्रतिलोम अवयव अद्वितीय, यहाँ से अद्वितीयता की बात बच्चों को पता चल जाती है। आगे बात करते हैं, अगर ऐसा हो गया है तो हमें किसका प्रतिलोम निकालना है? माइनस ए का। तो माइनस ए का प्रतिलोम निकालना है तो बी का प्रतिलोम माइनस ए है, तो मैं माइनस ए का प्रतिलोम, तो माइनस ए का प्रतिलोम कितना हो जाएगा? बी की जगह क्या रख देंगे अपन? माइनस ए। ये क्या हुआ? b इक्वल टू ए इनवर्स है, यानी कि a का प्रतिलोम माइनस ए है, तो माइनस ए का प्रतिलोम कितना हो गया? माइनस ऑफ माइनस ए। यानी कि किसी भी अवयव का प्रतिलोम निकालना हो इसको इस तरह से लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इक्वल टू कितना a, क्योंकि देखो b इक्वल टू माइनस ए, ये बात क्या इम्प्लाइज करता है? b इक्वल टू माइनस ए इम्प्लाइज करता है कि b था क्या तुम्हारा? a इनवर्स, a का प्रतिलोम a इनवर्स इक्वल टू माइनस ए। अब आपने कहा दो का प्रतिलोम निकालिए, दो इनवर्स, यहाँ पे समझिए इस बात का, दो इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस दो। तीन इनवर्स, तीन का प्रतिलोम कितना हो जाएगा? माइनस तीन। तो माइनस दो का प्रतिलोम कितना हो जाएगा? माइनस दो का प्रतिलोम माइनस लगेगा माइनस दो के, तो माइनस ए का प्रतिलोम कितना हो जाएगा? माइनस लग जाएगा माइनस ए के, तो माइनस माइनस प्लस ओके ए हो जाएगा। तो आपने बच्चों सिद्ध कर दिया कि माइनस ए का जो प्रतिलोम है माइनस ऑफ माइनस ए इक्वल टू ए है। ये आपके उदाहरणों को आपको समझने के लिए यहाँ पर व्याख्या कर दी गई है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको गुणन की बात करनी है। देखिए यहां पर कह रहा है कि आर में गुणा की संक्रिया के लिए ए नहीं है बराबर जीरो के, प्रतिलोम एक बट्टा ए है। मतलब कि ए का प्रतिलोम कितना है? एक बट्टा ए। लेकिन ए क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। इस बात को देखते हैं यहां पर कैसे करेंगे। देखिए
गुणन संक्रिया के लिए, पहले योग संक्रिया के लिए बात की थी। कैसी होती है? ए स्टार बी इक्वल टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ये आपकी संक्रिया है। तत्समक अवयव, गुणन के लिए तत्समक पहले ही ज्ञात किया था, आप ज्ञात भी कर सकते हैं, पिछले उदाहरण में करवाया था। गुणन का तत्समक ई बराबर कितना होता है? वन, आप ज्ञात कर लीजिएगा, पहले उदाहरण में बता रखा है आपको, ठीक है। अब लिखेंगे यदि ए का प्रतिलोम बी हो तब ए इनवर्स इक्वल टू कितना होना चाहिए? बी, ए का प्रतिलोम बी। तो परिभाषा क्या कहती है? ए का अगर बी के साथ संक्रिया करवाई जाए तो आपको क्या मिलना चाहिए? आपको ई मिलना चाहिए, और बी स्टार ए इक्वल टू भी कितना विलोम भी सत्य होना चाहिए, आपको ए ही मिलना चाहिए। बच्चे करेंगे ए स्टार बी का मतलब ए इंटू बी इक्वल टू ई, ई का मतलब वन, तथा यहाँ से आपको मिलेगा कि बी स्टार ए यानी कि बी ए इक्वल टू वन। दोनों ही तरफ से देखेंगे बी इक्वल टू वन अपॉन ए, तथा यहाँ से बी इक्वल टू वन अपॉन ए। बी क्या था? अगर ए का प्रतिलोम बी हो तो ए का प्रतिलोम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए इनवर्स से। तो बी की वैल्यू कितनी होगी? ए इनवर्स इक्वल टू वन अपॉन ए। ए इनवर्स का मतलब ए का प्रतिलोम, तथा यहाँ से भी वही बात आएगी। तो देखिए ए, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो, आपने सिद्ध कर दिया कि ए का प्रतिलोम कौन है? एक बट्टा ए है। ए बराबर जीरो नहीं हो सकता, क्यों? प्रतिलोम अवयव अपरिभाषित हो जाएगा, ए की जगह जीरो हो जाएगा, तो एक बट्टा जीरो अनंत हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण 40 कहता है सिद्ध कीजिए कि एन में धन संक्रिया के लिए ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का प्रतिलोम माइनस ए नहीं है। ठीक है, पहली बात करते हैं, दूसरी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि सिद्ध करना है कि नेचुरल नंबर में संक्रिया परिभाषित है, किसकी? योग की। तो ए का प्रतिलोम माइनस ए नहीं होता है इसमें, इसका कारण क्या है? कारण बताते हैं। देखिए जीरो क्या होगा? ई बराबर जीरो जो होता है वो तत्समक अवयव होता है योग के लिए, योग का तत्समक। और जिसमें आप प्रतिलोम अवयव की बात करते हैं तो परिभाषा लिखी जाती है ए स्टार बी इक्वल टू ई और इक्वल टू बी स्टार ए, तब बी जो है ए का प्रतिलोम कहलाता है, अगर ऐसी स्थिति हो तो। ई का होना आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर ई जीरो है जो नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में ई है ही नहीं, तो एन में तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है योग का, इसलिए किसी भी अवयव का प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। यहाँ पर इसकी ये व्याख्या हो गई बच्चे। किस तरह से लिखेंगे देखिए, इस बात को लिखते हैं अपन। योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव E बराबर शून्य है, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होता, अतः N में परिभाषित योग संक्रिया के अंतर्गत ए का प्रतिलोम माइनस ए नहीं हो सकता। बात समझ गए होंगे बच्चे कि ए का प्रतिलोम माइनस ए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ई बराबर जीरो नेचुरल नंबर में विद्यमान नहीं है, और योग की संक्रिया कहाँ, धन संक्रिया कहाँ परिभाषित की जा रही है? नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर में जब तत्समक ही विद्यमान नहीं है तो किसी भी अवयव का प्रतिलोम नहीं निकल सकता, तो ए का प्रतिलोम माइनस ए भी नहीं हो सकता। ये आपके पहले
जो चीज़ पूछी है इसका आंसर हो गया, इसे नोट डाउन कर ले। दूसरी बात का जवाब देते हैं बच्चों, देखिए दूसरी बात क्या कहती है। दूसरी बात कहती है कि गुणा संक्रिया की बात कर रहे हैं, गुणा संक्रिया के लिए ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में, ए बराबर नहीं है एक का, प्रतिलोम एक बट्टा ए नहीं है। देखिए गुणन में एक क्या होता है, तत्समक अव्यय होता है, गुणा की संक्रिया के लिए तत्समक अव्यय, गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अव्यय अव्यय एक होता है, एक होता है। तत्समक अवयव की वैल्यू कितनी हो गई, एक। लेकिन प्रतिलोम तथा तथा ए इनवर्स अभी अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला था, ए इनवर्स की वैल्यू वन अपॉन ए होती है, मतलब ए का प्रतिलोम, इसको मैं कहूं ए का प्रतिलोम एक बट्टा ए बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर से। ये बिलोंग ही नहीं करता है तो उपलब्धता कैसे हो सकती है, सोचिए। दो का प्रतिलोम कितना निकलेगा, एक बट्टा दो। तीन का प्रतिलोम अभी अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था, कितना बनेगा, एक बट्टा तीन। क्या ये बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से, बिलोंग नहीं करते हैं नेचुरल नंबर से। तो आपने व्याख्या कर दी, ए का प्रतिलोम जो एक बट्टा ए होगा वो बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर से, अतः ए का प्रतिलोम एक बट्टा ए नहीं है बच्चों। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बच्चों। तो आपने सारे उदाहरण कर लिए हैं, अब हम विविध प्रश्नमाला की ओर अगले भाग में चलेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।